महेश्वर में मंडी प्रांगण में हुआ भाड़ू समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन, मंच से समाज की प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। रविवार को जलकोटी रोड स्थित मां नर्मदा भवन में मालवी गाड़ी भाड़ू समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन एवं प्रतिभा और जनप्रतिनिधियों सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के भाड़ू समाज जन शामिल हुए। आयोजन में मंच से प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 150 से अधिक विद्यार्थियों का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। समाज के जनप्रतिनिधि उत्कृष्ट शासकीय सेवा में चयनित विद्यार्थी और जिला स्तरीय खेल गतिविधियों में चयनित 35 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन देवी अहिल्या युवा संगठन और ओमकारेश्वर धर्मशाला समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री श्री 108 दादू महाराज, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शैतान सिंह पाल, भाड़ू समाज ओमकारेश्वर धर्मशाला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल, देवी अहिल्या युवा संगठन के प्रमुख संजय पवार, नगर भाड़ू समाज अध्यक्ष विक्रम पटेल सहित वरिष्ठ जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में परिचय सम्मेलन की पुस्तक का भी अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विवाह योग्य 20 से अधिक युवक युवतियों ने विवाह के लिए अपना परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन विकास पटेल एवं आभार रोहित पटेल ने माना। आज मालवी गाड़ी भाड़ू समाज के तत्वाधान में देवी अहिल्या युवा संगठन और हमारी मालवी गाड़ी भाड़ू समाज धर्मशाला उपकरण समिति के सहयोग से प्रतिभावान विद्यार्थियों और प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ बालक बालिकाओं का परिचय सम्मेलन का आयोजन मालवी गाड़ी भाड़ू समाज के द्वारा किया गया है, जो कि भव्य रूप में हुआ। देवी अहिल्या युवा संगठन और मालवी गाड़ी भाड़ू समाज धर्मशाला समिति ओंकारेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर महेश्वर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, प्रतिभा सम्मान समारोह और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज का पूर्ण योगदान रहा और उसके साथ में हमारी समाज के वरिष्ठ और हमारी समाज की विभिन्न शाखाओं के सारे लोग यहाँ पे पधारे और हमारी समाज में जो भी प्रतिभावान छात्र थे उनका सम्मान किया गया। समाज के ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया गया जो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से और जिस रूप से भी वो आगे बढ़ सकते हैं तो उनका सम्मान भी किया गया। उसके साथ में ऐसे छात्र जिनका IIT में MBBS में चयन हुआ है और ऐसे छात्र जो मेधावी रूप से सक्षम हैं और जो अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का सहयोग करने के लिए देवी अहिल्या युवा संगठन हमेशा तैयार रहता है और संगठन के द्वारा ही सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो पूर्ण रूप से सफल रहा। इसके लिए मैं पूरे समाज को, हमारे देवी अहिल्या युवा संगठन का और ओंकारेश्वर धर्मशाला समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। डिजाइना न्यूज रिपोर्ट महेश्वर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।